साथियों, लटकाने और भटकाने में तो कांग्रेस को मास्टरी है। गैस क्रेकर प्रोजेक्ट, डोला सदिया पुल हो या फिर बोगीबील पुल, दशकों को लटके ऐसे अनेक काम आपके इस चौकीदार की सरकार ने ही पूरे कराए। साथियों, पुरानी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का साथ ही एनडीए की सरकार ने नए प्रोजेक्ट भी जमीन पर उतारे हैं। बाढ़ की समस्या को कम करने के लिए सेसा रिंग बांध भी हमारी सरकार ने बनाया है। तिनसुखिया में मेडिकल कॉलेज, डिब्रूगढ़ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, दिव्यांगों के लिए आईटीआई, नामरूप पेट्रोकेमिकल्स फैक्ट्री में नया मिथेनॉल प्लांट, यहां के युवा साथियों को बेहतर अवसर देने के हमारे प्रयासों का ही परिणाम है। बीते 5 साल में हमारी सरकार ने असम में सिर्फ ऑयल एंड गैस सेक्टर में ही लगभग 14,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। देश की सबसे बड़ी बायो रिफाइनरी नुमालीगढ़ इसी का सोच का विस्तार है। साथियों, असम के विकास के साथ साथ यहां की पहचान, यहां की संस्कृति को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जिस असम एकॉर्ड को कांग्रेस ने लटकाए रखा, उसको लागू करने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह असम एकॉर्ड के अनुरूप ही हमारी सरकार 6 समुदायों अहोम, मोटक, मोरनन, सुतिया, कोज राजवंशी और टी ट्राइब को जनजाति का दर्जा देने पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। इन 6 समुदायों को ट्राइब का दर्जा देते समय ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि असम की वर्तमान जनजातियों के हितों, उनके अधिकारों की पूरी तरह से रक्षा हो।